नमस्कार दोस्तों, एमिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने गढ़वाल क्षेत्र की नागकाटी रानी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा तो आज हम आपको ऐसी ही रानी के शौर्य गाथा और बहादुर की बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में मुगलों की नाक काट दी थी, जिस वजह से उनका नाम नागकाटी रानी पड़ गया था। दोस्तों, गढ़वाल राज्य को मुगलों द्वारा कभी भी जीता नहीं जा सका। यह तथ्य उसी राज्य गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है जिस महारानी की बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम नागकाटी रानी पड़ गया था, क्योंकि उसने अपने राज्य पर हमला करने वाले कई मुगलों की नाक काट दी थी। दोस्तों, इतिहास में कर्णावती नाम की दो रानियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक चित्तौड़ के शासक राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने अपने राज्य को गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के हमले से बचाने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, जबकि दूसरी गढ़वाल की शासिका थी। इतिहास में गढ़वाल की रानी का उल्लेख नाक काटने वाली रानी के नाम से मिलता है। दोस्तों, गढ़वाल की इस रानी ने पूरी मुगल सेना की बकायदा सचमुच नाक कटवाई थी। कुछ इतिहासकारों ने इस रानी का उल्लेख नाक काटने वाली रानी के रूप में भी किया है। महाराजा अपने राज्य की राजधानी सन 1622 में देवालगढ़ से श्रीनगर ले गए। महाराज महिपाल सिंह एक कठोर स्वाभिमानी और बहादुर शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी महारानी कर्णावती भी ठीक वैसी ही थी। इन्होंने किसी भी भारी आक्रांता को अपने राज्य में घुसने नहीं दिया। जब 14 फरवरी 1628 को आगरा में शाहजहां ने राजपाट संभाला, तो उत्तर भारत के दूसरे कई छोटे मोटे राज्यों के राजा शाहजहां से सौजन्य भेंट करने पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों, गढ़वाल के राजा ने शाहजहां की इस ताजपोशी समारोह का बहिष्कार कर दिया था। जाहिर है कि शाहजहां बहुत नाराज हुआ। दोस्तों, फिर किसी ने शाहजहां को बता दिया कि गढ़वाल के इलाके में सोने की बहुत खदानें हैं और महिपाल सिंह के पास बहुत धन संपत्ति है। बस फिर क्या था, शाहजहां ने लूट परंपरा का पालन करते हुए तत्काल गढ़वाल पर हमले की योजना बना ली। दोस्तों, शाहजहां ने गढ़वाल पर कई हमले किए। इस बीच कुमाऊं के एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के कारण 1631 में महिपाल सिंह की मृत्यु हो गई। उनके 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह को राजा के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाभाविक है कि राज्य के समस्त कार्यभार की जिम्मेदारी महारानी कर्णावती पर आ गई। लेकिन महारानी का साथ देने के लिए उनके विश्वस्त गढ़वाली सेनापति लोदी रिखोला, माधो सिंह, बनवारी दास तंवर और दोस्त बेग मौजूद थे। जब शाहजहां को महिपाल सिंह की मृत्यु की सूचना मिली, तो उसने एक बार फिर 1640 में श्रीनगर पर हमले की योजना बनाई। दोस्तों, शाहजहां का सेनापति नजाबत खान 30,000 सैनिक लेकर कुमायूं गढ़वाल रोदने के लिए चला। महारानी कर्णावती ने चाल चलते हुए उन्हें राज्य के काफी अंदर तक आने दिया और वर्तमान में जिस स्थान पर लक्ष्मण झूला स्थित है, उस जगह पर शाहजहां की सेना को महारानी ने दोनों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र से अनजान होने और बुरी तरह घिर जाने के कारण नजाबत खान की सेना भूख से मरने लगी। तब उसने महारानी कर्णावती के सामने शांति और समझौते का संदेश भेजा, जिसे महारानी ने तत्काल ठुकरा दिया। दोस्तों, महारानी ने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी कि शाहजहां की सेना से जिसे भी जीवित वापस आगरा जाना है, वह अपनी नाक कटवा कर ही जा सकेगा, मंजूर हो तो बोलो। महारानी ने आगरा भी यह संदेश भिजवा दिया कि वह चाहे तो सभी के गले भी काट सकती है, लेकिन फिलहाल दरिया दिली दिखाते हुए वे केवल नाक काटना चाहती है। दोस्तों, सुल्तान बहुत शर्मिंदा हुए, अपमानित और क्रोधित भी हुए, लेकिन मरता क्या न करता। चारों तरफ से घिरे होने और भूख की वजह से सेना में भी विद्रोह होने लगा था। तब महारानी ने सबसे पहले नजाबत खान की नाक खुद अपनी तलवार से काटी और उसके बाद अपमानित करते हुए सैकड़ों सैनिकों की नाक काट कर वापस आगरा भेजा। तभी से उनका नाम नाक काटी रानी पड़ गया था। दोस्तों, नाक काटने का यही कारनामा उन्होंने दोबारा एक अन्य मुगल आक्रांता अरीज खान और उसकी सेना के साथ भी किया। उसके बाद मुगलों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वे कुमाऊं गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर भी देखें। महारानी को कुशल प्रशासिका भी माना जाता था। दोस्तों, देहरादून में महारानी कर्णावती की बहादुरी के किस्से आम है, लेकिन यह पाठ्यक्रमों से गायब है। दून क्षेत्र की नहरों का निर्माण का श्रेय भी कर्णावती को ही दिया जा सकता है। दोस्तों, उन्होंने ही राजपुर नहर का निर्माण करवाया था, जो रिपसना नदी से शुरू होती है और देहरादून शहर तक पानी पहुंचाती है। हालांकि अब इसमें कई बदलाव और विकास कार्य हो चुके हैं, लेकिन दून घाटी तथा कुमाऊं गढ़वाल के इलाके में नाक काटी रानी अर्थात महारानी कर्णावती का योगदान अमिट है। मेरे मामले में अपनी नाक मत घुसेड़ो वरना कट जाएगी वाली कहावत को उन्होंने अक्सर पालन करके दिखाया और इस समूचे पहाड़ी इलाके को मुस्लिम आक्रांताओं से बचाकर रखा।
दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।